हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 मोशन फिजिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, एंड हेयर वी विल डू होल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो इन द पेज नंबर 74 इन द न्यू एनसीईआरटी, फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, थ्री क्वेश्चंस आर ऑन दिस पेज। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट किसी ने कोई डिस्टेंस कवर किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, अगर ये आंसर आपका येस है तो उसका कोई एग्जाम्पल दो। तो ऑफकोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रही है देन डेफिनेटली इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ आती है फिर यहाँ वापस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो, येस एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ने कोई डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर वो अपनी इनिशियल पोजिशन पे वापस आ जाए। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ अ पर्सन जॉग्स इन अ सर्कुलर पार्क, कोई पर्सन जॉगिंग कर रहा है किसी सर्कुलर पार्क में जो कि सर्कुलर है और एक राउंड कंप्लीट कर देता है, तो उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इज 40 सेकेंड्स। कोई फार्मर है, उसके पास कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड है 10 मीटर, वो उसको कवर करता है 40 सेकेंड में। ठीक है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, 10 मीटर कवर करता है 40 सेकेंड में। वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो साइड कितनी है 10 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब कि चारों साइड कितनी हो जाएंगी 40 मीटर। अब जो फार्मर है वो कितने टाइम में कवर करता है 40 मीटर, 40 सेकेंड में। यहाँ पे एक साइड नहीं जा रहा, वो चारों के चारों साइड, मतलब कि पूरा स्क्वायर फील्ड कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड में। ठीक है, तो एक सेकेंड में उसने कितना कवर किया, मतलब 40 मीटर में 40 सेकेंड, सॉरी 40 सेकेंड में उसने 40 मीटर कवर किया, तो 1 मीटर कितने टाइम में किया, 1 सेकेंड में। हमें 2 मिनट 20 सेकेंड का पता करना है, 2 मिनट मतलब कि कितने सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 20, 140 सेकेंड में वो 140 मीटर कवर कर लेगा डिस्टेंस। ठीक है, 140 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितना, मतलब कि कितने उस रोटेशन लिए, जैसे कि 40 मीटर में उसका एक रोटेशन पूरा होता है, अगले 40 में उसका एक और रोटेशन पूरा होगा, और अगले 40 में एक और, टोटल कितना होगा 120। ठीक है, 120 हमें कितना कवर करना है, 140 मीन्स 3 तो पूरा और एक हाफ, 3.5 राउंड्स। ठीक है, इसको हम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 140 मीटर, ठीक है, अपॉन इसका जो पेरीमीटर है वो 40, इसको कट करोगे तो 3.5 आएगा। इसके बाद है, एट दिस पॉइंट लेट अस से द फार्मर इज एट पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन ओ। हम मान लेते हैं इस जगह पे फार्मर कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है, इसलिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मींस हमें उसका क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। जैसे कि मान लो ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, यहाँ से चला 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, बस हमें ये निकालना है, ये डायगोनल का लेंथ। ये कैसे निकालेंगे हम, ये 10 है, ये 10 है, ये कैसे निकालेंगे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पढ़ा है 10² + 10² का अंडर रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, इसका जब एक ट्रिक होता है, जैसे कि दोनों सेम होता है तो 10√2 आता है, और रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। गॉट इट, पूरा क्वेश्चन समझ में आया ना, बहुत ईजी है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कौन सा एकदम ट्रू है. फर्स्ट इज इट कैन नॉट बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन इज ज़ीरो. जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है कुछ डिस्टेंस और अपनी वही जगह पर वापस आ जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है. इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. इसका मैग्नीट्यूड क्या डिस्टेंस से ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स कभी नहीं होगा. ठीक है, कैसे? इस स्टेटमेंट फॉल्स किस लिए है, क्योंकि देखो कोई ऑब्जेक्ट कितना भी डिस्टेंस वो कवर कर रही है, जहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन होगी और जहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन होगी वो डिस्टेंस वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी द डिस्टेंस, मिनिमम विल बी द डिस्प्लेसमेंट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल. इट कैन बी पॉसिबल द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नॉट दिस वन इज पॉसिबल. ओके, हेयर वी हैव थ्री क्वेश्चंस डन. एंड नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76, वी हैव फाइव इन टेक्स्ट मोर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. फर्स्ट वन इज वेलोसिटी, हेयर इज स्पीड. वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन. कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज कर लिए एक सर्टेन डायरेक्शन में. स्पीड क्या होता है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस. बस कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर करिए तो उसकी स्पीड, और वो कितने टाइम में करिए, रेट मीन्स टाइम. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन, देयर फोर द ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन. जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, इसलिए उसको एक ही डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए. एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन. एवरेज स्पीड जो है अगर वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन, फिर भी काउंट हम कर सकते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वेक्टर मीन्स जिसकी डायरेक्शन हो. वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव भी. स्पीड नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर वॉट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. मतलब ऐसी क्या कंडीशन है जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाए. एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम फ्रेम. एवरेज स्पीड मीन्स डिस्टेंस देखना है हमें, एवरेज वेलोसिटी मीन्स हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है. The magnitude of average velocity and average speed will be same when the total distance traveled is equal to the displacement. ये तब हो सकता है जब distance और displacement equal होंगे. Next is, what does the odometer of an automobile measure? किसी vehicle का जो odometer होता है वो क्या measure करता है? Odometer or odograph is a device that measures the distance traveled by an automobile based on the perimeter of the wheel as the wheel rotate. जब व्हील रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि कितना उस व्हीकल ने मेजर किया है. व्हाट इज़ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन द यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई इसी ऑब्जेक्ट जब कोई मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ कैसा दिखता है. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ हमें कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. कोई experiment है जिसमें spaceship से कोई signal ground में आता है 5 minutes में. What was the distance of the spaceship from the ground station? The distance, the signal travel at the speed of light. वो कितनी speed से करता है, 3×10^8 meter per second. We have to find distance. Here we have time. Here we have speed. 5 minutes, 5×60, 300 seconds. So speed is equal to distance upon time. Speed is 3×10^8 is equal to distance. We don't know, and time is 300 seconds. We just do cross multiply. 3×10^8 × 300. So it will be 3×10^8 × 3×100. 3×3 9,
and it will be 10 raised to power 10 meter. This is the distance. On next page, we have more three more NCERT questions. Page number 77. When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? कोई ऑब्जेक्ट कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. यूनिफॉर्म में कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अब उसके अपनी वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर रही है और इक्वल टाइम में कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. और इसके एग्जांपल आता है फ्री फॉल. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इक्वल टाइम में नहीं बढ़ रही है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बस मूविंग और लिविंग फ्रॉम द बस स्टॉप इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कोई बस मूव करती है या फिर बस स्टॉप से जब लीव होती है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और जो टाइम है वो सेकंड में है. सो वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग इन मीटर पर सेकंड. सो वी विल कन्वर्ट 80 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. वी हैव टू डिवाइड इट 5/18. आई हैव टोल्ड यू इट विल बी 400/18 एंड इनिशियल टाइम 60 इंटू 5/18 will be 300/18. ठीक है, तो वी विल पुट दीज वैल्यूज. ए इज इक्वल टू फाइनल. फाइनल मीन्स 61. 300/18 माइनस 400/18 बाय 5. ठीक है, वी विल डू एलसीएम. 18 300 माइनस 400/5 will be minus 100/18 by 5, minus 100/18, 5/1 to 1/5. 5 4 5 2 0 minus 20/18, 10 9. We will divide it and we will get the answer minus 1.112 meter per second square. Therefore, the total acceleration of the bus is minus 1.112 meter per second square. It can be noted that the negative sign indicate that the velocity of the bus is decreasing. Negative sign means uski velocity kam ho rahi hai. Next question is, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. कोई ट्रेन स्टार्ट करती है रेलवे स्टेशन से, फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है 40 किलोमीटर पर आवर. 40 इंटू 5/18 20 9 100/9. ओके, सो इट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 10 मिनट्स. 10 इंटू 60 600 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल वन इज 100/9 माइनस 0/600. इट्स 100/9 इंटू 1/600. इट विल बी 1/54 एंड आंसर विल बी 0.0185 मीटर पर सेकेंड. More NCERT questions are on next page, that's 81. First one is, what is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताने हैं. जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वी विल टेक टाइम एंड एन वाई एक्सिस वी विल टेक डिस्टेंस. थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी. थ्री पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, सेम टाइम के साथ सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं
एंड दिस वन इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इतना टाइम में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, थोड़ी देर बाद उसने टाइम बढ़ गया एंड डिस्टेंस भी बढ़ गया, बट नॉट एट अ यूनिफॉर्म रेट. द फर्स्ट ग्राफ डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म मोशन. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? उस object, उस graph के लिए what you will want to say कि उसका जो distance time graph है वो time axis के parallel होता है. जबकि ये है, यहाँ पे जो distance है वो y axis पे है and time is on x axis and it's parallel to the x axis. When the slope of distance time graph is a straight line parallel to time axis, the object is at same position at time passes, that means the object is at rest. Means time हो रहा है लेकिन distance इतना ही cover कर रहा है, means चाहे time बढ़ रहा है लेकिन वो distance उसी जगह पे है, means वो object rest पे है. What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? अगर speed time graph में भी जो graph है वो time axis के parallel है, तो what you want to say? There is no change in velocity on the object at any point of time. The object, इसका मतलब वो किस में है? Uniform motion में है. वो same time, मतलब इतना time बढ़ रहा है, उसकी velocity इतनी increase हुई. इतना में इतनी increase हुई, means वो object uniform motion में है. What is the quantity that is measured by the area occupied below the velocity time graph? Velocity time graph के अंदर जो area cover होता है, तो कौन सी जो है quantity आती है? Considering an object in uniform motion, its velocity time graph, ये उसका velocity time graph है, area between the velocity time graph is area of rectangle OABC, ठीक है, ये जो shaded area है, ये उसका, इस rectangle का we have to find the area, area under velocity time graph, कैसे निकलेगा, velocity को time से multiply करके, substituting the value of velocity as displacement by time in the previous equation, it is found that the area under velocity time graph is total displacement. VT graph हमें क्या देता है? Displacement. ठीक है? Next question on page number 82. A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. कोई बस रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, फिर उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होता है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मिनट के लिए. हम उसका स्पीड निकालना है और उसका डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे? बस रेस्ट से शुरू हो रही है तो यू ज़ीरो है, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड है. एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? हमें पता है वी माइनस यू अपॉन टी. इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, वी कितना है? फाइनल वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दिस इज फाइनल वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट्स एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस जीरो अपॉन टी. व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस. एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. वी स्क्वेयर 12 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन इज 0.1. डिस्टेंस वी डोंट नो एंड वी विल सॉल्व इट. वी विल गेट 720 मीटर एज डिस्टेंस. A car travelling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. कोई ट्रेन ट्रैवल कर रही है इतनी स्पीड से, उसके बाद उसमें ब्रेक लगते हैं, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितनी दूर बाद जो है वो ट्रेन जाके रुकती है? इनिशियल वेलोसिटी दी है 90 किलोमीटर पर आवर मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज 0. एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ना. वी स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर
2 minus 0.5 and s. s will be 625 meter. Train jo hai, the train must travel 625 meter at an acceleration of itna before it reaches the rest position. ट्रेन जो है रेस्ट पोजीशन में आने से पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. नेक्स्ट वन इज अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. कोई ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी पता करनी है. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 3 सेकेंड, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यू है हमारे पास 0 प्लस एक्सेलरेशन इज दिस वन एंड टाइम इज 3 सेकेंड. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी 0.06. तो 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फोर्थ क्वेश्चन इज अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट. कोई रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. वो 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 4, टाइम इज 10 सेकेंड. दूसरी इक्वेशन लगा देंगे एंड आंसर विल बी 200 मीटर. दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो सेम, यू कैन डू इट फ्रॉम माई ओन. यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है. लेटर वी हैव इन टेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्टुअल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. इन दिस वीडियो वी विल डू ओनली दीज क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दोज टेक्स्टुअल क्वेश्चन. वी हैव 10 मोर क्वेश्चन and all questions are like numerical type. So we will solve these questions in next video. Till then, thank you very much. If you like this video, subscribe it and like it. Thank you.